हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहां पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे ब्लैंक सेल या ब्लैंक रो दिखाई पड़ेंगे। देखिए यहां पर एक ब्लैंक पूरा रो ही है, यहां पर एक ब्लैंक सेल है, फिर यहाँ पर एक ब्लैंक सेल है, फिर यहाँ पर एक ब्लैंक सेल है। तो अगर इस बड़े डेटा में से किसी हमें ब्लैंक सेल को ढूंढना हो और उन्हें अलग कलर प्रोवाइड करना हो तो शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इस पूरे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट। ये डेटा सेलेक्ट कर लिया हमने, अब आपको करना क्या है, कीबोर्ड से केवल और केवल फंक्शन बटन F5 प्रेस करना है। जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं गो टू वाली मेन्यू ओपन हो गई है। अगर आप यहाँ से ये काम नहीं करना चाहते तो आप आ जाइए यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस, ये यहाँ से भी जाके आप गो टू कर सकते हैं। तो ये गो टू आ जाएगा ऑप्शन, और उसके बाद से स्पेशल पे चले जाइएगा, और स्पेशल पे जाने के बाद आपको करना क्या है, ये ब्लैंक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना। तो आप देखेंगे कि ये ब्लैंक वाले सेल जो है जितने थे वो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब सेलेक्ट होने के बाद करना क्या है, इनको हाईलाइट करने की बारी है। तो यहाँ से जाइए, जिस कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर आप यूज कर लीजिए। बहुत इजी है, ये येलो कलर में यूज कर लेता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए, ब्लैंक वाले सेल, ब्लैंक वाले रोज सब हाईलाइट हो चुके हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।